of the Bikaner. Bande Mataram. Mehta Sahab. Aur yahan se ekatar. Matrabhumi, wo hoarding lagaya Matrabhumi ka. मातृभूमि की सीमाओं की एक तो जवान मौत का कफन बांध करके सीमाओं की रक्षा करता है, पर ये एक बड़ा अलग तरीके से जब एक आम नागरिक सीमाओं की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करे दिल के साथ, मात्र भूमि की सेवा करें, उससे बड़ा परोपकार, उससे बड़ी कोई सच्ची सेवा नहीं हो सकती। और सिर्फ ये सीमा सुरक्षा कल्याण मन जो है, ये उन्हीं की एक हिम्मत है, भगवान की कृपा है। जैसलमेर हो या कच्छ बॉर्डर हो या बीकानेर, आप लोग दिल से सेवा कर रहे हैं। हम तो दिल्ली में हैं, सेवा हम भी करते हैं, पर सबसे बड़ी सेवा आपकी है। ये सामने पाकिस्तान, सामने ये सीमा, और फिर हमारी बीएसएफ फौज से आप खड़े हैं, फिर आगे हिंदुस्तान चलता है। अगर हम सीमाओं को सुरक्षा नहीं कर पाए तो फिर कुछ भी घटना हो सकती है। 6 साल पहले का अगर इतिहास देखें, दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट होते थे, बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे, जयपुर के अंदर 120 लोगों को मारा गया था, आपको याद होगा। दिवाली के दिनों में जगह जगह बम फटते थे। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे। जम्मू कश्मीर के अंदर खून से बने हुए तिरंगे झंडे का अपमान होता था, जवानों पे गोलियां चलती थी। ये आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों की मेहनत है, हमारे जवानों की मेहनत है, और सबसे बड़ा कर्तव्य हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिन्होंने एक ही फैसला है, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे, सिर्फ प्रथम रात। पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं जाती हैं, लीडर आते हैं चले जाते हैं, पर जो लीडर का यही मकसद हो प्रथम रात सीमाओं की रक्षा करना और आम लोगों को इस चीज के साथ जोड़ना, फिर मातृभूमि की तरफ को देख नहीं सकता। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान से थर थर कांपता है क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री मजबूत है। आज चाइना जैसे दुनिया घबराती है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैलाया, हर घर के दरवाजे के बाहर मौत खड़ी कर दी, उसने उस वक्त भी नहीं हमें छोड़ा, हमारी सरहदों पे आके खड़ा हो गया कब्जा करने के लिए। पर हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, फौज का जवान पीछे है छाती चौड़ी करके चाइना की तरफ खड़ा हो गया, उधर चाइना का भी जवान खड़ा है, यही इशारा दिया। अगर मेरे जवान को मेरे मातृभूमि की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सीने पे गोलियां लगेगी, फिर मेरे जवान के लगेगी। जब ऐसा प्रधानमंत्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा करने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, इस मातृभूमि को मजबूत करने के लिए लग जाए, फिर हमारी तरफ तलबानी तरबूनी की तो हिम्मत ही नहीं है। हम देखते हैं तलबानियों को रोज टेलीविजन के अंदर, कई लोगों को घबराहट होती होगी। और पहले का अगर इतिहास देखें, हमारे मंदिरों का कितना बड़ा अपमान हुआ, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी संस्कृति को तोड़ा गया, वो तो पढ़ते थे, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अगर 370 धारा ना हटी होती तो, अगर हमारी डिफेंस पॉलिसी मजबूत ना होती तो क्या आज 370 धारा हम हटा पाते? आज गोलियां चलती जम्मू कश्मीर के अंदर, और गोलीबारी बढ़ जाती, और हमारे जवानों की शहादत होती, और हमारे देश का अपमान होता। तलबानियों को भी पता है ये आज का हिंदुस्तान है, एक चलाएगा लाख चलाएंगे आगे। पाकिस्तान ने दीनानगर पठानकोट की घटना की थी, आज तक गोली जारी है। आप
आते हैं रोज आतंकवादी, पाड़ पाड़ के उनको गोलियों से वहीं रख देते हैं। उनको पता है आपको हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदुस्तान की धरती का अपमान करने आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा, उसका एक इलाज है गोली। और अपने हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए आपका सबसे बड़ा कर्तव्य जो आप कर रहे हैं, हम आपके बड़े एहसान मंद हैं, अपने कर्तव्य को पूरा रखें कि सीमा की तरफ से कोई भी आए जाए, कोई भी व्यक्ति जो नहीं जानते हैं आप, उस पर निगाह रखें। ये आप में शक्ति है, ये इसी संस्था में शक्ति है जो कर रही है। पॉलिटिकल पार्टियां बहुत हैं, रोज टीवी पे हम भी बहस पे जाते हैं, कभी उनको सवाल करके पूछें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कि आपका कोई संगठन है जो सीमाओं की मातृभूमि की रक्षा करता है बगैर वर्दी से, बगैर हथियार से, एक आम साधारण नागरिक ही बनके, इसको कहते हैं सच्चा भारतीय। लोग व्यापार करते हैं, व्यापार करके मजे भी लेते हैं, ये बीकानेर की धरती ऐसी, यहाँ व्यापार भी करते हैं, वो गौ माता का सम्मान करता है, वो लोगों को अडॉप्ट करते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं। कुछ आप लोग हैं जो अपने मातृभूमि की सीमा की रक्षा करते हैं, फक्र होना चाहिए आपको, आप क्या कर्म अच्छा कर रहे हैं आपको फक्र होना चाहिए। और मैं जगह जगह पे जाके आपकी चर्चा करता हूँ, फिर करूंगा किसी दिन चैनल में देखना, डिबेट में करूंगा और पूछूंगा उन नेताओं को। नेता बनना बड़ा आसान है, वोट लेनी बड़ी आसान है, पर अगर इस तरीके से वोट ली जाए मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए, कि मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, मैंने मातृभूमि की सेवा करनी है, तो फिर तो माता रानी हो या हमारे भोले शंकर हो या कृष्ण भगवान हो या वाहेगुरु हो, वो आपके साथ हैं। क्योंकि मातृभूमि अगर सुरक्षित है, हमारे गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद सब सुरक्षित है, सबसे जरूरी है मातृभूमि जिसने हमें सबको अपने आंचल में समा रखा है। तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, मेहता साहब, सारी टीम का, सारे अपने भाइयों का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आपसे मिलाया। वंदे मातरम, एक नारा लगाऊंगा, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ सुभाष जी, पानी।